वेलकम बैक अगेन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, दिस इज रियो। और नव वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आज हिंदुओं का नया साल स्टार्ट हो जाता है, वर्ष 2080। आज से हमारा नया शास्त्र स्टार्ट हो जाता है हिंदुओं का। तो आपको आज मैं नैनीताल शहर के बारे में दिखाऊंगा, और ऊपर से नवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नैनीताल में आज कैसा माहौल रहेगा आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि मौसम बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा है, किसी धंधे लगे पड़ गए, ठंडा काफ़ी अच्छा है। और तरीताल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और मैं अभी तरीताल बीच बाज़ार से निकलते हुए भागी हो रहा हूँ, और आपको दिखाता हूँ यहाँ का माहौल, लोग कितने ज़्यादा आए हुए हैं। आप देख सकते हैं टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग तो चले गए हैं, और काफ़ी लोग मंदिर गए होंगे, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला व्रत है, और माँ दुर्गा आज के दिन सृष्टि पर विराजी हुई है। मतलब आज से 10 दिन तक का वो सृष्टि पर रहती है, आज के दिन वो आई हुई है धरती पर। और जो जो माता की आज से सेवा करता है, यानी कि भक्ति करता है, व्रत रखता है 10 दिन तक का या 9 दिन तक का, तो माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। सो दोस्तों, आज देख सकते हो कितना खिलखिलाया मौसम है, और सामने हरियाली छाई हुई है, और सामने आप देख सकते हैं बोटिंग चल रही है, और यहाँ पर कुछ लोग आए फोटो खिंचा रहे हैं, और सामने भैया को देखो यार, चाट बिस रहा है। और यहाँ पर भीड़ पता नहीं क्यों लगाई गई है, शायद ट्रैफिक इशूज़ हो रहा होगा, इस वजह से लगाई गई है भीड़। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे बोट स्टैंड की ओर को, देखते हैं आगे कैसा रस है आज, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। आज मैं दिखाता हूँ नैनीताल में कितनी ज़्यादा रस रहता है या नहीं है, आज का बारे में बताया जाएगा आपको। दोस्तों बोर्ड स्टैंड में भी पहुंच चुका हूं, जैसे संडे को भीड़ हो रही थी ना, उस टाइप की भीड़ तो आज दिख नहीं रही है। और देखिए यहां से नज़ारे, चाइना पीक और पसाण देवी मंदिर। दोस्तों मैं माल रोड में पहुंच चुका हूं, और यहां भी ट्रैफिक कम है। मैं तो सोचा था सीजन हो रहा होगा, अच्छा हो रहा होगा, बट नॉर्मल है, लोकल के ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि नवरात्र लगे हैं, तो आधे से ज़्यादा नवरात्र जो है अपने घर में मनाते हैं। अब पहला नवरात्र है, पहला नवरात्र सब घर में मनाते हैं, और आधे से ज़्यादा लोगों का होगा व्रत, यानी कि फास्ट। तो सब गए होंगे मंदिर माता के दर्शन करने, माता के दर्शन करना ज़रूरी है। तो मैं भी गया था सुबह हनुमान टेम्पल, यानी कि हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन हुए, माता के दर्शन हुए, शिव भगवान के दर्शन हुए, माँ शक्ति के दर्शन हुए, सब के दर्शन अनिवार्य है। तो दुर्गा माँ के पूर्ण दर्शन हो चुके थे, तो फिर मैं वापस आया, मैंने सोचा कहाँ जाया जाए, तो मैं निकला, ये था 30 साल की उम्र पर, तो मेरे को लगा कि आज दिखाना चाहिए नैनीताल में कैसा माहौल रहेगा, बट थोड़ा सुनसानी है, मगर अच्छा लग रहा है। देखो सुनसान में कितनी अच्छी आवाज़ आती है पक्षियों की, शांत माहौल है ना। तो आगे रोटरी पॉइंट है, वो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे पहुँचते हैं, फिर रोटरी पॉइंट के पास पहुँच जाएंगे हम, तो देखेंगे उधर एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है, क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटीज़ के बहुत सारे साधन है ना। और ये सामने देखो यार, बच्चा लगा पड़ा है कि कैसे चलता है ये मशीन, ये मम्मी को बुलाइए, देखो पीछे सारे। और सामने ये देखो यार, ये हिलने वाला पेंडुलम, पता नहीं कैसा है, जैसे पेंडुलम होते हैं ना वैसे हिल रहे, बच्चे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर रहे, भैया भी लगे पड़े हैं। पोइट्री पॉइंट में काफ़ी एक्टिविटीज़ करने के साधन है, ये देखिए पुलअप वाली, बच्चे लगे पुलअप खुले, और यहाँ पर से बोटिंग कर सकते हो। और बोटिंग रेट सामने लिखे पड़े, 4 सीटर 420 और 2 सीटर 320, बेस्ट प्राइस है, यहाँ टोटली एक ही प्राइस होता है मलिताल तलिताल अधमताल से। और यहाँ पर से देखिए सामने पसाण देवी मंदिर दिख रहा है, माँ भगवती का मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है यहाँ का। सबसे ज़्यादा जो भीड़ रहती है ना मलिताल वाले क्षेत्र में रहती है, बट अभी तो मैं माल रोड में हूँ, और माल रोड में सबसे ज़्यादा आपको कॉस्टली होटल देखने को मिल जाएगा मेरे पीछे जो है, ये एवरेस्ट और अलका, कॉस्टली होटल है बट प्राइस तो मेरे को पता नहीं है। और इससे जो पीछे के होटल होते हैं वो थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे, जैसे इसी अपर साइड में, और इसी के पीछे होटल होते हैं थोड़ा सा कम कॉस्टली होते हैं, और जो फ्रंट पे लेक साइड व्यू वाले होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। दोस्तों पहुंच चुका हूं मलिताल के पास, जस्ट अभी चौराहे पे पहुंचा हूं, जहां पर रिक्शा स्टेशन है, वहां पर इसी के जस्ट बगल में वुडलैंड बेस्ट शोरूम है, एक से एक शोरूम देखने को मिल जाएंगे। इसी के जस्ट बगल में एल एन सोली का भी है, लुइस का भी है, और ये चौराहे के पास आपको बोर्ड हाउस क्लब भी देखने को मिलता है, और बोर्ड हाउस क्लब के पास ज़्यादा ही भीड़ दिख रही है। अब मैं नीचे वाली रोड पर उतर जाता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले रोड में आज ट्रैफिक देखने को मिला। सीजन के टाइम में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि पांव रखने को कदम नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर चौकी भी है, पुलिस चौकी, अगर कुछ गतिविधियाँ हुई तो यहाँ पर से डायरेक्टली एक्शन लिया जा सकता है। यह है यहाँ की मार्केट जिसे फड़ कहते हैं, तो यहाँ पर खूब ज़्यादा भीड़ दिख रही है भाई, इसे कहते हैं भीड़, जस्ट लाइक करनाल प्लेस, वहाँ पर भी ऐसी भी भीड़ रहती है दिल्ली, बट हाँ
बाहर से काफ़ी लोग आए हैं सैलानी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो नैनीताल वेकेशन में बहुत अच्छा रहता है। और ये भाई मुझे पता नहीं क्यों घूम रहा यार इधर, बट इधर देखिए बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाएंगी आपको ख़रीदने के लिए। इधर वुलन मिल जाएगा, सॉल मिल जाएंगे, इधर साइड आपको ग्लासेस मिल जाएंगे। खाने के लिए भी बहुत सारी ठपरियाँ लगी पड़ी है, जहाँ थोड़ा कॉस्टली है बट सही है। भैया शूटिंग करा देखिए बड़ा बड़ा ना। सो दोस्तों, यहाँ से जाने का रास्ता है जहाँ आप कर सकते बोटिंग, नैनीताल बोटिंग होती है, यहाँ से बोट स्टैंड है। अब इस पर की खास बात है, बारह मास यहाँ भीड़ लगी रहती है, मगर दो या अभी टाइम कितना, 4 बजे बाद, पहले 2 बजे बाद थी, अब 4 बजे बाद यहाँ पर अलाउ कर दिया है ये फल लगाना, उससे पहले ये फल लगती नहीं है। और यहाँ से लेके भोटिया मार्केट तक का पूरी फल लगी रहती है, और भोटिया मार्केट जो है यहाँ की फेमस मार्केटों में से एक है दोस्तों। सो भोटिया मार्केट पहुँच चुका हूँ, और यहाँ भी बिल्कुल सुनसान है। सो काफ़ी कम टूरिस्ट आए पीछे देख सकते हैं, और आज मोटर सिटी कम खाली लग रहे हैं, और एक चाइना टाउन है, हार्ड रॉक भरा रहता है, मगर हार्ड रॉक भी आप देखो ऑलमोस्ट खाली दिख रहा है, मेरे को एक दो जने बैठे दिख रहे हैं। बट मंदिर वहाँ ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गई ना, मीट मांस मच्छी आजकल कोई नहीं खाएगा, लहसुन तक का अवॉइड करते हैं। और मंदिर का एरिया लगभग लगभग तो यह है मंदिर का एरिया, और जस्ट बगल में प्रसाद की दुकान, और काफ़ी लोग फोटो भी क्लिक कर रहे हैं यहाँ की, बिकॉज बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माँ नैना देवी का। बट अब मैं जाएगा अंदर, और सबसे पहले जूते उतारेगा, फिर जाएगा अंदर की ओर को। ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ होनी, चप्पल जूते उतार लिए हैं, हाथ पांव धो लिए हैं, बस अंदर को एंट्री करता हूँ। और सबसे पहले हनुमान मंदिर पड़ता है, हनुमान मंदिर, और इसी से आगे पड़ता है और मंदिर, मगर अभी हनुमान मंदिर में ज़्यादा भीड़ है। और यह है जूते चप्पल उतारने का स्थल, देखो कितने ज़्यादा भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, काफ़ी बाहर के भी होंगे और कुछ लोकल भी होंगे, बट सही है, जो लगता है आस्था वो जरूर आएगा। और इसी के जस्ट बगल पे ये जो रास्ता जाता है ना, ये गर्भगृह को जाता है, मुख्य मंदिर जो माँ नैना देवी का है, ये मुख्य मंदिर है, ये जाता है गर्भगृह को। और यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सो अभी मैं अंदर की ओर जाऊँगा तो अंदर वीडियो बनाने नहीं देंगे, पिछले बार मुझे पंडित जी ने टोक दिया था कि यहाँ पर जो वीडियो बनाई जाती है वो पूर्णतः नहीं बनानी पड़ती है। और देखिए मंदिर, सो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं अंदर की ओर नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पंडित जी रोक देंगे। और इसी के जस्ट बगल पर भैरव बाबा का मंदिर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। और जो सामने हॉल देख रहे हो आप ना, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हॉल है, क्योंकि यहाँ माँ नैना देवी की प्रतिमा बनाई जाती है, जो फोटो की होती है ना उसकी प्रतिमा। और ये भैरव बाबा का मंदिर है, आप देख रहे हो के पास शिवलिंग का सबसे बड़ा शिवलिंग रखा है, मतलब बड़ा मान जाता है क्योंकि शिव भगवान सबसे बड़े हुए। बस इसी के जस्ट अंदर जाते हैं आप, और यहाँ सारी की सारी माताएँ विराजमान हैं, देखो नवग्रह मंदिर, माँ संतोषी माता का मंदिर, नवग्रह मंदिर और राधा कृष्ण का मंदिर। नवग्रह यानी कि नौ माताएँ होंगी, सबसे पहले आप देख सकते हो माँ संतोषी माता का मंदिर। और इसी के जस्ट बगल में आप नवग्रह का मंदिर देखिए, और यहाँ पर माता जी भी, और जस्ट आप इसके बगल में राधा कृष्ण का मंदिर, भगवान अंदर विराजे हुए। और थोड़ा सा आगे जाके अब मैं अंदर की ओर, सीढ़ियाँ जाती है ना, ये जाती है ऊपर, नौ अवतार जहाँ विराजे हैं, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा करिए वहाँ है। मगर ये देखिए दोस्तों कैसे चिल्ला रहे हैं वहाँ पर, फर्स्ट टाइम बोटिंग कर रहे होंगे तो आनंद ले रहे उस चीज़ का, इतना लगा पड़ा। अच्छा दोस्तों, वेलकम टू आर दिस मंदिर, देखिए बिल्कुल खाली है, कोई नहीं आया है, और बेस्ट मंदिरों में से एक है। देखिए सबसे पहले शिव पार्वती अवतार, उसके बाद मत्स्य अवतार, कश्य अवतार, वाम अवतार, नरसिंह अवतार और वामम अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, फिर लास्ट जो अब कलयुग में होने वाला है कल के अवतार, तो सारे के सारे अवतार है। और जो कहते हैं कि सृष्टि की रचना शिव के द्वारा हुई थी, तो सबसे पहले शिव और पार्वती जी की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है, और आज जो नवरात्र है इन्हीं के अवसर पर मनाया जाता है। पुराणों में भी लिखा है कि जब महिषासुर सारे देवताओं को परेशान करने लगा था पृथ्वी और स्वर्ग में जाकर लोगों को परेशान करने लगा था, तब उसके बाद सारे देवताओं ने भगवान के पास गए, और उसके बाद वहाँ उन्होंने शिव भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी से कहा कि ये हमें बहुत परेशान कर रहा है महिषासुर, तो उनसे कहा कि इसको इसका कुछ निवारण निकाल दे, तो उन्होंने फिर उसके बाद माँ शक्ति की आराधना की। तो माँ शक्ति जी की आराधना करते समय तीनों भगवान जो थे वो क्रोधित होकर तो उनके मुंह से एक ज्वाला यानी कि दिया बाहर निकला, यानी कि जो जोत होती है ना वो बाहर निकली, और उन्होंने ली माँ शक्ति का उदार, और उनके हाथ में जितने देवता थे उन्होंने अपने शस्त्र दे दिया, यानी कि नौ शस्त्र देने के बाद उन्होंने दुर्गा का अवतार लिया, और जो दुर्गा का अवतार लेने के बाद महिषासुर से उन्होंने युद्ध कराया। युद्ध करने के बाद जो युद्ध था वो 9 दिन तक का चलता रहा, और हर दिन जब युद्ध होता था
तो वो रूप बदल के करती थी। जो 9 स्वरूप है ना उनके, हर रूप में उन्होंने महिषासुर से युद्ध करा। बात तो सही है वकरा, फिर 10वें दिन उनको पराजय कर दिया और महिषासुर को मार दिया। तब से कहते हैं कि माँ दुर्गा के 9 अवतार को पूजा जाता है। सो ये भी है कहानी। मैं यहाँ बैठा रहा तो बच्चे लोग भी आए थे, कितने प्यार से घूम रहे इधर। दोस्तों आगे चल जाता हूँ भारतीय ओर, तो और नीचे आपको दिखाता हूँ यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शिवलिंग, ऑल फेमस है पूरी इंडिया में। अभी दिखाते हैं आपको, और मैं नीचे की ओर बढ़ रहा हूँ बिकॉज कहानी तो आपको पता ही है कि नवरात्र में माँ दुर्गा सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती है, और जो 9 दिन तक का उनकी व्रत रखते हैं उनके घर में सुख समृद्धि धन की वृद्धि और स्वास्थ्य में भी बरकत। वहाँ से निकल आ गया हूँ और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी गार्डनिंग करी गई है और अंदर कितना सुहाना मौसम हो रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि आई एम कमिंग फ्रॉम वृंदावन। मैं गया तो नहीं हूँ मगर वहाँ की वीडियो देख के कह रहा हूँ। और सामने गर्भगृह पर ज़्यादा भीड़ है बिकॉज मेन मंदिर वही है, और सामने जो मैं शिवलिंग की बात कर रहा था ना, ये है सबसे प्रसिद्ध शिवलिंग यहाँ का आज तक का इंडिया में। ज़्यादातर आप रीलों में भी देखते होंगे शिवलिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अभी परिक्रमा करी जा रही है मगर पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है, मगर ये लोग कर रहे हैं उनको पता नहीं है ज़्यादा। सो ये है यहाँ का कार्यालय जहाँ पर आप डोनेट कर सकते हो कुछ पैसे वैसे या कुछ भी यहाँ के। और यहाँ पर नारियल फोड़े जाते हैं जब माँ नंदा सुनंदा माता का मेला होता है उनकी यहाँ पर मेले पर। यहाँ पर आके उनकी जो नारियल लेके आते हैं यहाँ फोड़े जाते हैं, पहले तो बलि दी जाती थी अब नारियल फोड़े जाते हैं यहाँ पर। सो काफ़ी अच्छा रहा अंदर का आज। अब मैं जाता हूँ थोड़ा गर्भगृह पर दर्शन कर लेता। मंदिर से बाहर आ चुका हूँ, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो सारे दर्शन हो चुके थे मेरे और मन को बहुत शांति मिली है। और अब मैं जा रहा हूँ वापसी की ओर। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज़ रियो लियो 93904 या रियो ब्लॉगिंग से मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और हो सके तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं मंदिर में। और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो आगे कहीं बना लेंगे। तो कमेंट करना मत भूलना और कमेंट में बताना ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।